नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबिता। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और ये चुनाव राज्य की सत्ताधारी बीजेपी के लिए अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि राज्य में बीजेपी सत्ता में है और उस पर पिछले प्रदर्शन दोहराने का दबाव भी बना हुआ है। वहीं राज्य में अन्य सियासी दल बीजेपी को सत्ता से हटाने में अपने किले को दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं, लेकिन अब बीजेपी ने राज्य में स्थानीय स्तर पर अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए बड़ा प्लान तैयार किया है। क्या है वो बड़ा प्लान, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव इस बार किसी जंग से कम नहीं है। हर पार्टी पूरे दमखम के साथ जुटी हुई है, वहीं इसी जंग को जीतने के लिए बीजेपी भी अपनी रणनीतियां तैयार कर रही है। बीजेपी के दिग्गज नेता और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी बिसात की रणनीति और प्लानिंग पर मंथन का दौर तेज कर दिया है। 2022 का चुनाव योगी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। संघ से लेकर बीजेपी के तमाम संगठन राज्य में एक्टिव हो गए हैं। वहीं अब बीजेपी ने राज्य में स्थानीय स्तर पर अपने वोट बैंक को मजबूत करना भी शुरू कर दिया है। इसके तहत अब पार्टी जातिगत वार सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन जिला स्तर पर करेगी। हालांकि अभी तक ये सम्मेलन प्रदेश स्तर पर किए जाते थे, फिलहाल बीजेपी अब जिलों में जातिगत समीकरण को साधने की रणनीति पर काम कर रही है और इसके तहत प्रदेश के सभी 75 जिलों में पिछड़ों और दलितों के सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इन सम्मेलनों में पार्टी जिलों की पिछड़ी और दलित जातियों के प्रमुख चेहरों को एक मंच पर लाएगी और ये चेहरे अपने पक्ष में माहौल बनाएंगे। वहीं इन सम्मेलनों की तैयारियों को लेकर प्रदेश महामंत्री सुनील बंसल ने ओबीसी और अनुसूचित मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और प्लान तैयार किया। फिलहाल आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी किसी भी तरह की कसर नहीं छोड़ना चाहती है और वो सभी वर्ग को लुभाने की कोशिशों में लगी है। वहीं पार्टी जिला स्तर पर सम्मेलन आयोजित कर रही है। जानकारी के मुताबिक पार्टी 15 से 21 दिसंबर तक प्रदेश के सभी जिलों में पिछड़ी जातियों का सम्मेलन आयोजित करेगी और इन सम्मेलनों में 10,000 लोगों को जुटाया जाएगा और समाज के बड़े लोगों को सम्मान दिया जाएगा। इन सम्मेलनों के जरिए पार्टी सरकार ओबीसी और एससी वर्ग के लिए किए गए कार्यों का लेखा जोखा भी बताएगी। अनुसूचित मोर्चा की बैठक में एक बार फिर से संगठन महामंत्री सुनील बंसल ने यह साफ कर दिया है कि जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं उन्हें पद छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि पार्टी ने यह तय कर लिया है कि जिन लोगों के पास संगठन के पद हैं उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा। कैपिटल टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यूपी की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।